तो कल एलसीयू देखा था, आज आईसीयू देख के आ रहा हूं। शिट, जोक भी फिट नहीं बैठ रहा। सेकेंड टेक। तो कल लियो के अंदर एलसीयू देखा था और आज थिएटर्स के अंदर आईसीयू वाला एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूं। मतलब इतनी घटिया क्वालिटी का समोसा था वहां का कि मैं क्या। एक मिनट, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मूवी वाकई में खराब है? और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है, मूवी वाकई में बहुत खराब है। मूवी लिटरली एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है हाउ टू वेस्ट 150 करोड़ रुपीज इजिली। गणपत मूवी के अंदर डिस्टोपियन फ्यूचर उतना ही है जितना आदि पुरुष मूवी के अंदर रामायण थी। सेंस नहीं बन रहा क्या? खैर, अगर मूवी की बात करें तो मूवी की स्टार्टिंग में एक नैरेशन दिया जाता है जो कि हमें कॉन्टेक्स्ट देता है थोड़ा बहुत कि इस यूनिवर्स में एक्चुअली में चल क्या रहा है, जिसके बाद हमें हमारे हीरो यानी कि टाइगर श्रॉफ उर्फ गणपत का पहला लुक देखने को मिलता है। इस शॉर्ट में हम देखते हैं कि भाई अपने गणपत भैया एक लड़की के साथ बिस्तर में सोए हुए हैं और फिर एक सेकेंड बाद हमें पता चलता है कि ये सिचुएशन उतनी भी नॉर्मल नहीं है, एक्चुअली में ये सिचुएशन थ्रीसम वाली है। इतना ही नहीं, 2 सेकेंड बाद हमें पता चलता है कि ये सिचुएशन थ्रीसम की नहीं फोरसम की है, और 3 सेकंड बाद हमें पता चलता है कि ये सिचुएशन फोरसम की भी नहीं है, एक्चुअली में फाइवसम की सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। 12 seconds later और 13 सेकंड बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये सिचुएशन 13सम की नहीं 14सम की है, और ये लेजिट उस एक्टर का पहला शॉट है जो कि डिस्टोपियन फ्यूचर के लोगों को बचाने वाला है। गॉड ब्लेस दोज पीपल। और ऐसा ही एक स्पेशल मेंशन मैं और करना चाहूंगा, एक चाइनीज रेस्टोरेंट जो कि वहां पे क्यों है, कैसे है, कब है और किस जगह पे है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है उस चीज के बारे में। तो एक्चुअली में इस चाइनीज रेस्टोरेंट के स्टाफ का काम क्या होगा? गेस करो, खाना बनाना। अरे वो तो है ही, लेकिन एक और काम है, पता है क्या? मार खाना। तो स्टार्टिंग में अपना गुड्डू उर्फ गणपत जाता है, उसके पास पैसे नहीं रहते तो खाना खा लेता है, लेकिन बिल देने की बारी आती है तो उसकी कुटाई होने लगती है। तो उसको बचाने कौन आता है? कीर्ति सरन का कैरेक्टर, जो कि स्टाफ वालों को पीट के गुड्डू को वहां से लेके चला जाता है। अब ऑलमोस्ट सेकंड हाफ में या फिर सेकंड हाफ के थोड़ा सा पहले, मुझे ध्यान भी नहीं है, तो क्या होता है, गुड्डू जो है वो ट्रेनिंग लेता है अपने मास्टर से, और ट्रेनिंग के बाद उसके मास्टर बोलते हैं कि गुड्डू अभी तुमने लड़ना सीखा है, तुम्हें लड़ना आता नहीं है, दोनों में अंतर है। तो वो उसे लड़ाई करवाने एक जगह पे ले जाते हैं। तो गेस करो कि गुड्डू का जो मास्टर है वो उससे लड़ाई करवाने किस जगह पे लेके जाएगा? वो चाइनीज रेस्टोरेंट। एग्जैक्टली, दोनों मास्टर और गणपत दोनों बैठ के खाना खाते हैं, बिल भरने की बारी आती है तो उसके बाद लड़ाई होती है। जो अपना गणपत है यानी कि गुड्डू, वो स्टाफ वालों को पीट पाट के वहां से निकल जाता है। मतलब तुम खुद सोचो, तुमने इंडिया के अंदर चाइनीज रेस्टोरेंट खोल रखा है, तुम खाना बनाते हो मेहनत करके, तुम्हारा बिल नहीं दिया जाता, तुमको पीटते हैं, तुम्हारे रेस्टोरेंट का हाल अभिहाल करके चले जाते हैं। और ऐसी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें तुम्हें मूवी के अंदर भर भर के देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो थे कुछ स्पेशल मेंशन इस मूवी के बारे में, लेकिन मैं अगर सीरियसली बात करूँ इस मूवी की, तो मूवी कब डिस्टोपियन टॉपिक से ऑफ टॉपिक जाएगी कोई नहीं बता सकता, कोई लॉजिक नहीं बैठता उस चीजों का। और इस चीज का मैं तुम्हें बेस्ट एग्जाम्पल दूं तो अपना जो गणपत है वो सिल्वर सिटी यानी कि मेन सिटी जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने वहां पे कुछ कांड वांड कर दिए होते हैं, और वो बस्ती में जाना चाहता है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पे कोई एक आदमी उसकी मदद कर सकता है, और वो भागने लगता है सिल्वर सिटी से बाहर आता है, और आउट ऑफ नोवेयर वो एक जंगल में पहुंच जाता है। डिस्टोपियन फ्यूचर में जंगल, हरे पेड़ पौधे अगर लगे हुए वहां पे तो फिर खेती क्यों नहीं कर लेते तुम लोग? हल्का बगीचा लगा लो, पेड़ लगा लो, खाने को तो मिलेगा भाई, मिर्चियां खा रहे हैं वहां के लोग और टाइगर श्रॉफ जंगल में भाग रहा है, कोई सेंस नहीं बैठ रहा। यह सवाल मेरे दिमाग में भी थिएटर्स के अंदर आया था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि दिमाग लगा ही क्यों रहे हो, तो मैंने भी कहा हाँ ठीक है, सही बात है, दिमाग लगा नहीं चाहिए, और फिर से मैंने अपना माइंड ऑफ कर लिया। अब यहीं पे जब इंटरवल होता है तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि चलो भाई स्क्रीन स्विच कर लेते हैं, लियो देख लेते हैं, दोबारा देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, पर देखते हैं, ये तो नहीं सहा जाएगा। पर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं वापस गणपत वाली स्क्रीन में घुस गया और झेलने पड़े मुझे कैसे भी करके। इसके अलावा इस मूवी के VFX और CGI की बात करूं, बात करने जैसा कुछ नहीं है, अगले टॉपिक पे आते हैं। 2-3 स्टॉक फुटेजेस जरूर मैंने नोटिस करी इस मूवी के स्टार्टिंग में, और एंड आते आते तो मैं अपना दिमाग स्विच ऑफ कर चुका था। इस मूवी के पॉजिटिव्स की बात करें तो पॉजिटिव्स कुछ खास है नहीं, लेकिन 1-2 शॉट मुझे अच्छे लगे टाइगर श्रॉफ के, बस गिने चुने शॉट्स, लेकिन एक्टिंग कुछ खास नहीं थी, वही पुरानी एक्टिंग है उनकी। लेकिन जो अपनी कीर्ति सरन का कैरेक्टर है उनका एक्शन मुझे सही लगा, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत जगह पे अच्छी है, बाकी जगह तो क्रिंजी कर रही होती है वो भी। इसके अलावा मूवी का सिर्फ एक म्यूजिक मुझे अच्छा लगा जो मूवी के एंड में प्ले होता है। तो अगर लाइफ में कुछ थ्रिलिंग करना चाहते हो एकदम से ऐसा जिसमें तुमको किक आ जाए तो जाके ये मूवी देख लो, चिल्ल हो अगर तुम्हारे अंदर तो ये मूवी जाके देख लो, बाकी मेरी तरफ से रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है ये मूवी। तो खैर, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मैं मिलता रहूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा नाम है अभी and you are watching Cinema with Avi.